क्वेश्चन नंबर 12, मैट्रिक्स की वैल्यू इवेलुएट करनी है फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। अब देखो इसमें थ्री मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है और राइट साइड में जीरो मैट्रिक्स है। अब लेफ्ट साइड में जो भी मैट्रिक्स प्रोडक्ट से जनरेट होगी उसका जो कंपैरिजन होगा वो जीरो मैट्रिक्स से होगा। अब लेफ्ट साइड में थ्री मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है तो अब आप अपने एडजस्टमेंट से सेकेंड थर्ड को मल्टीप्लाई कर लो फर्स्ट ऑर्डर में, या फर्स्ट सेकेंड को मल्टीप्लाई करो फिर थर्ड से मल्टीप्लाई करो, दोनों फिजिबल है। पहले सेकेंड थर्ड को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता है लिखो, फिर उसका मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट के साथ हो, या फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो रिजल्ट आता है उसको थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए। लेटेस्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड का प्रोडक्ट जो होगा वो रो इंटू कॉलम, तो फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया एक्स इंटू वन, वन इंटू माइनस टू, तो इट इज वन एक्स माइनस टू। और आर वन का सी टू से प्रोडक्ट होगा एक्स इंटू जीरो एंड वन इंटू माइनस थ्री, दैट इज माइनस थ्री। एंड द थर्ड मैट्रिक्स है यहां पे आपका एक्स है थ्री, कॉलम मैट्रिक्स है ये, और राइट साइड में जीरो मैट्रिक्स है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वन बाई टू और ये टू बाई वन, तो वन बाई वन बनेगा, तो वन रो एंड वन कॉलम। तो मल्टीप्लाई करोगे इसको तो फर्स्ट एलिमेंट, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट एक साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ एक्स माइनस टू, माइनस थ्री के साथ थ्री मल्टीप्लाई होगा, तो दैट विल कम नाइन। इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है तो लेफ्ट हैंड साइड में जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा राइट हैंड साइड में उसी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स लिखिएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो राइट साइड में भी फर्स्ट ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स लिखा जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक ही एलिमेंट है तो मैट्रिक्स का सिंबल हटा दो, एलिमेंट को कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। अब ये ब्रेक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस बी, फार्मूला यूज कर दो, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज फोर माइनस फोर ए सी, तो फोर ए का वैल्यू वन है और सी का वैल्यू माइनस नाइन है, तो ये हो जाएगा प्लस फोर ए सी में आ गया 36 अपॉन टू ए, ए इज वन, तो टू प्लस माइनस रूट ऑफ 36 प्लस फोर इट इज 40 अपॉन टू, इसमें से फोर बाहर निकाल लो तो फोर स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, इससे बाहर आएगा तो टू हो जाएगा और रूट में बचेगा 10 अपॉन टू, टू कैंसिल कर लो तो वन प्लस माइनस रूट ओवर That is the solution of the given equation. That's all.